नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्भाशय से या बच्चेदानी से जुड़ी हुई कई समस्याएं महिलाओं को कभी भी हो सकती है, और ऐसी ही एक समस्या है यूट्रस के अंदर यानी कि बच्चादानी के अंदर गांठ की समस्या होना, जिसे कि यूट्राइन फिब्रोइड नाम से जाना जाता है और इसे यूट्रस सिस्ट भी बोला जाता है। तो जो समस्या होती है बहुत ही कॉमन होती है, बहुत ही सामान्य होती है, और डॉक्टरों ने ऐसा देखा गया है, डॉक्टरों ने ऐसा पाया है कि हर 3 में से एक महिला को यह समस्या आती है, और 99% केसेस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं सामने ये गांठे होने से। और जैसे कि इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होने की समस्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह बहुत सामान्य समस्या है, इसलिए आपको अपने जो प्रजनन काल के दौरान कुछ लक्षणों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, यानी कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है जिसमें कि आप बच्चा पैदा कर सकती हैं, तो उन सालों में यह समस्या कभी भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन पर आपको विशेष रूप से नज़र रखनी चाहिए ताकि आपको गंभीर समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये जो गर्भाशय या बच्चेदानी की गांठ होती है, इसके होने के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय दिक्कत महसूस हो सकती है, बार बार पेशाब आना या पेशाब के दौरान तेज दर्द की समस्या भी आ सकती है। हैवी पीरियड आना भी इसका एक लक्षण होता है बच्चेदानी के अंदर सिस्ट या गांठ होने का। पीरियड सामान्य से अधिक दिनों तक चलना या फिर पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, सामान्य से ज़्यादा दर्द होना, जो आपने पहले दर्द महसूस किया है उससे अचानक से ही तेज़ दर्द होने लगना, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए। पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन की समस्या आपको महसूस होती है तो हो सकता है बच्चेदानी में गांठ के कारण हो रही हो, तो लगातार ये समस्या है, पेट दर्द हो रहा है, निचले हिस्से की तरफ सूजन महसूस हो रही है, पेट में खिंचाव या भारीपन महसूस हो रहा है, तो ऐसे लक्षणों पर आपको ध्यान देना होगा। बार बार घबराहट होना या उल्टी आना बच्चेदानी की गांठ का एक लक्षण हो सकता है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी यदि बिना कारण ऐसा हो रहा है। और आपको ब्लीडिंग या डिस्चार्ज की समस्या आ सकती है, गुप्तांग से प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग या कोई गंदा डिस्चार्ज आने लगे, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से आपको जाकर अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। कोई भी समस्या आपको हो रही है, शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर यदि आप जांच करवा लेते हैं, उसका इलाज करवा लेते हैं, तो समस्या बढ़ नहीं पाती, अन्यथा कई केसेस में ऑपरेशन के द्वारा गर्भाशय या बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है, यानी कि औरत की पहचान को ख़त्म करना पड़ता है। तो ऐसे परिणाम सामने आने से अच्छा है कि पहले ही कुछ लक्षण यदि आपको दिखाई दें तो तुरंत आप आनाकानी ना करें, डॉक्टर से अपनी जांच करवा लें ताकि शुरुआती चरणों में इसके बारे में पता चल जाए। और जैसा कि हमने बताया, यह समस्या बहुत ही सामान्य होती है, तो हर किसी को भी हो सकती है, तो ये ना सोचे कि आपको नहीं हो सकती, तो जागरूक रहना ही बेहतर होता है और समझदारी भी होती है। तो ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।